हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है किट लेके आए हैं। तो इसका नाम जो है जूनियर गोल्फ किट। तो ये एक्चुअल में रत्ना टॉयज की तरफ से जो है बनाया हुआ एक काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये जो है 5 साल से बड़े बच्चे जो है इसका यूज़ करके जो है इसको खेल सकते हैं। मतलब मेड इन इंडिया भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बक्सा इसका आपका आपको जो है इस तरीके का दिखेगा, बट जो है अंदर की प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आप जो है मतलब आप या तो बच्चे जो है खुश हो जाएंगे। और इसकी जो है प्राइस है 315। तो ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। और इसको जो है आप आराम से खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे रत्ना टॉयज जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोडक्ट्स वो बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है 3 अलग अलग टाइप की स्टिक है और यहाँ पे इस तरीके का बॉल भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है बच्चे घर में भी खेल सकते हैं और बाहर जाके भी खेल सकते हैं। और इनको जो है काफ़ी मतलब सीखने को भी मिलेगा। मे बी आपका भी बच्चा जो है इन फ्यूचर जो है चेस सॉरी गोल्फ प्लेयर भी बन सकता है, अगर इनको जो है ये चीज़ों में भी इंटरेस्ट जो है आ जाता है। वैसे आपको पता ही होगा कि एक बच्चा कुछ था वो आई थिंक नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के अंदर था या ऐसा कुछ था। तो उसका भी जो है मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि इसकी जो रियल किट आती है काफ़ी महंगी आती है। और वो उनका मतलब वो जो बच्चा था वो काफ़ी अच्छा गोल्फ खेलता था और किसी ने उसको देखा था, मे बी कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। एग्जैक्टली अभी वो क्या स्टोरी थी मुझे याद नहीं है, बट वो बच्चा जो था गरीब बच्चा वो बहुत बड़ा जो है गोल्फ प्लेयर बन चुका है उसकी एज ग्रुप में। तो इसी तरीके से जो है अगर आपके बच्चों के अंदर भी ये इंटरेस्ट आ जाता है तो आपके बच्चे भी जो है गोल्फ प्लेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है गोल्फ की बॉल होती है, मुझे भी जो है बचपन से एक शौक था कि गोल्फ की जो बॉल है वो मुझे मतलब मिले, बट बस इतना ही था। इसके अंदर 3 स्टिक और 2 बॉल्स हैं। तो यहाँ पे मे बी आपने अगर कौन सी वाली वाली मूवी थी, क्या नाम था उस मूवी का, नाम मैं भूल गया था, उसमें वो वाला डायलॉग था ना, चड्डी 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 भैया चड्डी ये चड्डी वो चड्डी। तो वो हीरो जो था वो एक्चुअल में गरीब था और उसको पैसे कमाने थे तो उसने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया और उसका निशाना बहुत ही ज़बरदस्त था, शॉट ज़बरदस्त था। तो ये वाला है ना दूर तक मतलब मारने के लिए आई थिंक है। और मुझे ये पता है ये भी जो है एकदम नज़दीक गड्ढे के नज़दीक आने के बाद अगर आपको शॉट मारना है तो उसके लिए है। और ये कुछ नॉर्मल है शायद। और आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जब किसी को विलन मारना चाहता है तो इसी टाइप की हॉकी स्टिक से जो है वो मारता है। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको हॉकी स्टिक हॉकी तो नहीं गोल्फ स्टिक जो है मिल जाती है और बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। इसको जो है बच्चों को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, ऐसे ही दे सकते हैं, या तो फिर कोई भी ऐसा समय आता है तो उसके अंदर भी दे सकते हैं, मतलब बर्थडे है या तो ऐसा कोई टाइम है त्यौहार है जन्माष्टमी के टाइम पे दिवाली के टाइम पे भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ये वाला जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये इसके अंदर नहीं है और शायद नहीं है। उसका रीज़न भी होगा क्योंकि अगर बच्चों को खेलना है तो वो कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि गोल्फ का पूरा जो पूरा ग्राउंड होता है उसके अंदर आसानी से ज़मीन के अंदर लग जाता है, बट सभी जगह तो मतलब आपके सिटी में शायद ना लग पाए। तो उसके लिए जो है आप एक चीज़ कर सकते हैं इस बॉल को स्टेडी रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसकी बेस्ट बाय लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर आपके बच्चे को जो है इससे खेलना है अपने घर के अंदर, तो कोई भी बोतल होती है खाली बोतल, उसका ढक्कन है जो है उसको ऐसे रख के जो है उसके ऊपर भी आपके बच्चे रख सकते हैं, या तो फिर ये टेप है उसके ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं और फिर जो है शॉट लगा सकते हैं इस तरीके से। और दूसरी चीज़ के कोई गड्ढा है तो मतलब कोई भी ऐसा खाली बक्सा है उसको भी आप सामने रख के उसको एज ए गोल पोस्ट आप मतलब आपके बच्चों के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ आप एडिशनली इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है उसकी मैं होलसेल प्राइस को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रिवील करूंगा जब ये वीडियो पे 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आ जाते हैं। और उसके अलावा जो है अगर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो भी जो है जितने भी वीडियोज़ जो है उसके होलसेल प्राइस को मतलब जितने भी वीडियोस है अनबॉक्सिंग के उसके सभी प्रोडक्ट्स के होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इंडिया के अंदर हाउसवाइफ हैं और आप मतलब घर से ही कुछ अर्निंग करना चाहती हैं और अपने फैमिली को ग्रो करना चाहती है, साथ ही साथ जो है
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो है जो कि 10वीं 12वीं के बाद या तो फिर डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज करने के बाद या तो फिर बीए बीकॉम बीएससी बीफार्म बीटेक बीएमएस बीएचएमएस जैसे कोर्सेज करने के बाद मतलब घर पे बैठे हैं, या तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है या तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है और चाहते हैं कुछ नया करना, करियर को चेंज करना या तो फिर अपना खुद का बिजनेस करना। तो यहाँ पर हम एक वीडियो सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं जिसके थ्रू जो है आप सीख सकते हैं कि कैसे स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, टॉय बिजनेस या तो फिर गिफ्ट आर्टिकल बिजनेस, प्लास्टिक वेयर सेल करने का बिजनेस, जेरोक्स प्रिंटआउट का बिजनेस, उसके अलावा सीएससी सेंटर अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो हम सभी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। उसमें आपको प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, प्रोडक्ट का सोर्सिंग कैसे करना है, कौन सी ब्रांड की चीज़ें बेचनी है, कहाँ से इसके स्टॉकिस्ट और होलसेलर को ढूंढना है, प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा मार्जिन मिलता है और हाईएस्ट सेल होता है, फिर इसको लोकल मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं, घर से कैसे सेल कर सकते हैं, दुकान लेके भाड़े पे लेके कैसे सेल कर सकते हैं, और इसको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे सेल किया जा सकता है, जीएसटी नंबर कैसे लेना है, सभी चीज़ों को जो है बारी बारी करके वीडियोज़ के थ्रू सीखेंगे और आपकी क्वेरीज को कमेंट्स के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। और किसी को जो है पर्सनल वन टू वन गाइडेंस चाहिए तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, और वो मतलब वो जो है पेड सर्विस होगी, या तो ओवरली बेसिस पे होगी या तो पूरा एक पैकेज ही होगा 3-4 हज़ार के आसपास। तो यहाँ पे अभी जो है मतलब आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो है ये वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।